हेलो गाइस, क्लैट एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ गया है। दिसंबर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और 18 दिसंबर को क्लैट 23 का पेपर है। तो अभी मुश्किल से 15 दिन बाकी है, तो देख लेते हैं कि क्या प्रिपरेशन टिप्स है कि हम क्लैट एग्जामिनेशन को किस तरीके से एस कर सकते हैं। लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो है किस तरीके से बेस्ट हो सकती है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द टिप्स, बी एडुकेयर को अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाक से कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे क्विज मिल सके, करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल सके, करंट अफेयर के हाइलाइट्स मिल सके, अलग अलग एग्जामिनेशन रिलेटेड अपडेट्स भी मिल सके। साथ ही साथ रोज एक लीगल मैगजीन भी अपलोड किया जाता है, अलोंग विद जीके फन फैक्ट्स एंड अदर जनरल नॉलेज न्यू थिंग्स। सो फटाफट कर लीजिए, किस बात की देरी। सबसे पहले अगर हमको क्लैट एग्जामिनेशन को अच्छे से पास करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो फोकस जो है वो होना चाहिए कि पढ़ाई तो कर ली, बट सिर्फ पढ़ाई करने से सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन टाइम पे याद आएंगी, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि एज वी ऑल नो कि क्लैट का जो पोर्शन है बहुत ज्यादा वास्ट है, इसीलिए फोकस होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज करते रहो। जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो, एक बार पढ़ने से आपको सारी चीजें मेमोराइज नहीं होगी। साथ ही साथ क्लैट एक ऐसी एग्जामिनेशन है जहां पे आपको अटेम्प्ट करने होंगे क्वेश्चंस, डेली बेसिस पे एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज एज वी ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा एमसीक्यूज एवरी डे सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आप फेमिलियर बनते जाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका है, क्वेश्चन पॉजिटिव वे में होता है, नेगेटिव वे में होता है। नेगेटिव वे का मतलब हो गया, लेटेस्ट से आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, तो ये हो गया नेगेटिव वे। तो आप जितना ज्यादा जो है एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आप एक्यूरेट बनते जाओगे। एंड साथ ही साथ गाइस, 18 दिसंबर को पेपर है, अभी फिलहाल दिसंबर स्टार्ट हो गया है, तो दिस इज नॉट द टाइम कि आप कोई न्यू कंसेप्ट को जो है सीखना स्टार्ट करो, अनटिल एंड अनलेस वो जीके एंड करंट अफेयर का कोई ऐसा कंसेप्ट आ गया जो अभी रिसेंटली हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अभी इस टाइम पे प्लीज अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स। यहाँ पे आपको सिर्फ फोकस करना है उन टॉपिक्स पे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप 1 साल से प्रेपरेशन कर रहे हो, 6 मंथ से प्रेपरेशन कर रहे हो, डिपेंडिंग कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है। सो मेक श्योर गाइस कि आप कोई भी इस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे न्यू टॉपिक नहीं उठा रहे हो, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपका अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगा, आपका जो है टेंशन प्रेशर बढ़ जाएगा कि अरे ये कवर नहीं हुआ है, ये अभी तक पेंडिंग है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी हैम्पर हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ जो टॉपिक्स हो गए हैं, हमने जो पढ़ाई कर ली है, उसी पे फोकस करेंगे, उसी को बार बार रिवाइज करते रहेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्लैट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उसको सॉल्व करना है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सबसे पहला तो ये कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्लैट एग्जामिनेशन इज आस्क्ड फॉर 150 मार्क्स, करेक्ट, एंड आपको टाइम दिया जाता है 120 मिनट्स। मतलब अगर वैसे देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए यू हैव लेस देन अ मिनट। तो यहाँ पे आपकी स्पीड जो है अच्छी खासी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छी स्पीड के साथ एक्यूरेट आंसर्स को सिलेक्ट कर पाओगे और आंसर दे पाओगे। काफी सारे बच्चों को क्लैट में यही प्रॉब्लम होता है कि वो अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उनको पता है कि आंसर्स क्या होंगे, उनको कंसेप्ट पता है क्या है, बट बिकॉज वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, इसीलिए उनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल भी काफी ज्यादा इम्प्रूव होते जाएगा, एंड आंसर्स को अटेम्प्ट करने की एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी, आपकी थिंकिंग स्किल्स जो है वो बढ़ती जाएगी, आपकी रीजनिंग स्किल्स बढ़ती जाएगी।
इससे आपका नेगेटिव मार्किंग का चांस जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कौन से आंसर में रिस्क लेना है, किसमें नहीं लेना है। इससे जैसे ही आपका नेगेटिव मार्किंग का रिस्क कम होते जाएगा, आपके अच्छे स्कोर के चांसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो बी एडुकेयर ला रहा है एक क्लैट कैप्सूल, जहां पे आपको क्लैट 2020 का सैम्पल पेपर का वीडियो सोल्यूशन, जहां पे आपको डिटेल्ड में सारे सब्जेक्ट्स जो है, सारे टॉपिक्स जो है क्लैट के, उसको आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। क्लैट 2020 का सैम्पल पेपर है, क्लैट 2020 का एक्चुअल पेपर वीडियो सोल्यूशन है, क्लैट 21 का, क्लैट 22 का भी वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी में आपको 10 इंपॉर्टेंट लीगल अफेयर्स जो है वो क्लैट एग्जामिनेशन के लिए, अलोंग विद द 10 लैंडमार्क जजमेंट्स फॉर क्लैट अवेलेबल है एट अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस, दैट इज फॉर जस्ट ₹149। सिर्फ ₹149 में आपको 3 साल के वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं पेपर के, अलोंग विद द इम्पॉर्टेंट लीगल अफेयर्स एंड द लैंडमार्क जजमेंट्स। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ये लास्ट चांस है जहां पे आप बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, बिकॉज जितना ज्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टे फोकस्ड। अगर आपका फोकस हिल गया तो आपका जो एम है, आपका जो ड्रीम है, जो लक्ष्य है आपका, वो अचीव करने के लिए आपको दिक्कतें आ सकती है। तो एक लक्ष्य एक समय सीमा के साथ देखा गया सपना है। आपका सपना है हमारे देश के टॉप एनएलयूज में एडमिशन लेने का, ये आपका ड्रीम है विच इज टाइम बाउंड, मतलब कि अब सिर्फ आपके हाथ में 15 दिन है। तो अब ये 15 दिन को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, एकदम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन क्लैट पे फोकस करिए, दैट्स ऑल। बाकी सारी चीजों को आप जो है साइड पे रख दीजिए, जैसे कि इंटरनेट को ऑफ कर दीजिए, इंटरनेट को केवल उतना ही इस्तेमाल करें जितना रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आप एक काम कर सकते हो, अपने फोन पे ही, बिकॉज वी ऑल आर नाउ कनेक्टेड विद फोन, अपने फोन पे ही अपने ड्रीम एनएलयू का वॉलपेपर डाल दो, दैट यस आई वांट टू गेट इनटू दिस एनएलयू, एनएलयू बैंगलोर, एनएलयू जोधपुर, आई वांट टू गेट दिस, आई वांट टू अचीव दिस एंड आई विल डू दिस। साथ ही साथ खुद को एक टाइम लिमिट दे दो कि ये टाइम लिमिट में मैं इतनी चीजें कंप्लीट जो है कर लूंगा या कर लूंगी, एंड दिस विल हेल्प यू टू स्टे फोकस्ड। सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स नाउ, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना ली है, एक्सीलेंट थिंग क्लैट के एक प्रिपरेशंस के लिए, तो आप अपनी नोट्स से ही जो है प्रिपरेशन किए करिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो अलग हो सकता है, क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, बट द अंडरस्टैंडिंग, द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन ऑलवेज रिमेन्स द सिमिलर। तो उस तरीके से जितना ज्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा फेमिलियर होते जाओगे। एंड प्लीज मेक श्योर कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं क्लैट एग्जामिनेशन में, इसीलिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के पहले कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है। तो आपका रीडिंग स्किल बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए कि आपने एक बार आरसी पढ़ लिया, यू आर एबल टू एनालाइज व्हाट इज गिवन एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन। तो इससे आपका जो है स्किल क्वेश्चंस को आंसर करने का वो डे बाय डे इंप्रूव होते जाएगा, एंड आप सफिशियंट टाइम लिमिट में जो है पेपर कंप्लीट कर लोगे। साथ ही साथ यू कैन स्पेयर सम टाइम फॉर रीचेकिंग ऑल्सो। ऑल्सो मेक श्योर कि सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट भी आप अपियर कर रहे हो अपने प्रेपरेशन के लिए, सब्जेक्ट वाइज आप जो है मॉक टेस्ट अपियर कर रहे हो, विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्कोर। एंड मेक श्योर कि आप किसी भी टॉपिक का रिविजन करना नहीं भूल रहे हो, कोई भी टॉपिक जो है छूटना नहीं चाहिए, सबको रिवाइज करके जाना है, और जितने ज्यादा पॉसिबल हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट अपियर करने हैं, जितने ज्यादा पॉसिबल हो उतने ज्यादा हमको जो है पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट टिप्स। बी एडुकेयर विशेस ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स अ गुड लक
and we hope that you get your dream NLU. That's it, guys. For classroom, live class, recorded lecture, books, ebooks, and test facilities, you can contact on the number which you can see on your screens. If you are having any doubt regarding CLAT examination, mention it on the comment box below, or else you can call on the number which you can see on your screens. Good luck, guys.